हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोगों को क्या करना है, पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया है एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 2। तो 1 बाय 1 एक्स के प्लेस में 0, 1 एंड माइनस 2 रख करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट में हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्स के प्लेस में 0 लिए, 0 को हम लोग जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें 0 होगा, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, ये और ये, तो हम लोग के पास आंसर क्या रहा है, -2, ठीक है। सेकंड नंबर है एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब एक्स के प्लेस में हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 1 एंड 1। 1 को मल्टीप्लाई किए 3 टाइम्स 1 होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तब भी 1 होगा। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब सॉल्व कर देते हैं, 5 प्लस 3 8, -2 -2 -4 हो गया, ठीक है। 8 माइनस 4, आंसर क्या आ गया, 4। अब देखो नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर एस एक्स इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू -2, तो हम लोग एक्स के प्लेस में -2 पुट किए, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपोनेंट क्या हो, एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो, तब क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव ही, नेगेटिव में ही आंसर आता है। तो यहाँ पे माइनस है, अब देखो माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या होगा, -40। यहाँ पे स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, स्क्वायर था, तो ये माइनस माइनस क्या गया, प्लस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लिए, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 2। अब सॉल्व कर देते हैं, -40 -8, इन दोनों को ऐड किया, 40 प्लस 8 क्या हो गया, 48, 48 प्लस 2, 50, 50 प्लस 6, 56, ठीक है। थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फॉर ऑल द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P-1, P2 एंड P3। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, अब x के प्लेस में 1 बाय 1, 0, -1 2 एंड 3 पुट करके अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 0 पुट किए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आ रहा हमारा, फर्स्ट में 2, सेकंड -1 लेना था, -1 लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किए, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 2। माइनस में था, माइनस में आ गया आंसर, प्लस में तो प्लस में आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 3, आ गया आंसर। अब देखो x इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या, 8 माइनस 6 किए तो क्या होगा, 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 32, 36, आंसर आ गया हमारा। अब देखो लास्ट क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, अब x के प्लेस में 3 ले लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 +2। अब ऐड कर देते हैं, 18 में 9 माइनस किए तो क्या हो जाएगा, 9 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 108, 119, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं इसी टाइप से। सेकंड नंबर क्या है, r-1 r+1, 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, +-1 1 1 जा 1, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, आर इज इक्वल टू -1, अब -1 पुट करते हैं, -1 -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, ये हो गया प्लस, -1 प्लस होता है तो 1 1 2, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट में क्या है,
माइनस वन प्लस वन, तो प्लस माइनस माइनस, वन में माइन माइनस किए तो जीरो है, जीरो टू ज़ा जीरो, तो आंसर क्या होगा हमारा, जीरो। अब देखो आर इज इक्वल टू टू लिए, ठीक है, टू माइनस वन टू प्लस वन, टू माइनस वन वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री वन जो थ्री, हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पी थ्री, थ्री माइनस वन थ्री प्लस वन, थ्री माइनस वन टू हो गया, थ्री प्लस वन फोर, फोर टू जो एट, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर क्या है, टू बाय थ्री टी स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री टी प्लस वन बाय थ्री, टी इज इक्वल टू जीरो ले लेते, जीरो लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म जीरो हो गया, तो आंसर क्या आएगा, वन बाय थ्री। नेक्स्ट क्या है, माइनस वन, अब माइनस वन को सॉल्व करते हैं, टू बाय थ्री है, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायरिंग के वन हो गया, टू टू बाय थ्री, माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं, तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो थ्री ले लिए, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, आंसर क्या आ गया हमारा, फोर बाय थ्री। नेक्स्ट क्या है, टी इज इक्वल टू टू, टू बाय थ्री टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट बाय थ्री लिख लिए, टू वन जा टू वन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, एलसीएम थ्री आएगा, थ्री ले लिए, थ्री एट है एट, फिर क्या हो गया, माइनस टू प्लस वन, अब सॉल्व कर लेते, एट माइनस टू क्या होता है, सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेवन माइनस थ्री। अब नेक्स्ट क्या है, टी इज इक्वल टू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, थ्री वन जा थ्री, अब ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो वन आ गया, वन बाय थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, एटीन हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, वन है, एलसीएम लिए थ्री आया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्री प्लस वन, अब सॉल्व करते, एटीन प्लस वन नाइनटीन, नाइनटीन माइनस थ्री क्या था, सिक्सटीन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिक्सटीन बाय थ्री। नेक्स्ट है फोर नंबर, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, अब वाई इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, जीरो क्या, यहाँ पे भी जीरो, जीरो, ठीक है, प्लस वन है, वन लिख लिए, वन 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 जा वन, फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आ गया, वन। वाई इज इक्वल टू माइनस वन लेते हैं, अब माइनस वन, माइनस वन एंड माइनस वन, वन वन जा वन हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस, और ये क्या है, माइनस, माइनस माइनस कैंसल हो गया, यहाँ गया वन, यहाँ पे देखो प्लस वन माइनस वन जीरो, तो जीरो से हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो। अब क्या यहाँ पे वाई इज इक्वल टू टू, टू स्क्वायर ले लिए, माइनस टू प्लस वन, वाई के प्लेस में हम लोग को टू पुट करना था, टू टू ज़ा फोर, अब देखो इसको सॉल्व कर दे, फोर हुआ आंसर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव में टू माइनस किए थ्री आ गया, टू प्लस वन थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो आंसर क्या होगा हमारा, नाइन। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस वन टेन, टेन माइनस थ्री सेवन हो गया, थ्री प्लस वन फोर, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स के प्लेस में जीरो पुट किए, ठीक है, एक्स के प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जीरो लिखे थे, जीरो प्लस टू टू हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, टू। सेकंड एक्स के प्लेस में हम लोग माइनस वन ले लेते हैं, माइनस वन प्लस टू, प्लस माइनस माइनस, टू में वन माइनस किया, आंसर क्या आएगा, वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू, अब एक्स के प्लेस में हम लोग टू पुट किए, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर, थर्ड नंबर आंसर हो गया फोर। अब देखो फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस टू, यहाँ पे एक्स था, एक्स प्लस टू था, तो थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू क्या हो गया, फाइव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, फाइंड आउट इफ द वैल्यू रिटर्न बिसाइड द पॉलिनोमियल्स आर देयर जीरोस। अब हम लोग को फाइंड करना है, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं यहाँ पे, ये साइड में जो वैल्यू दिए, क्या ये जीरो है, अगर इसको हम लोग पुट करते तो वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो अब इसको हम लोग, अभी जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में क्या किए थे, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था माइनस वन, माइनस टू, टू थ्री, ये सब वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड किए थे। अब इसी टाइप से यहाँ पे वैल्यू दिया है,
अब यहाँ पे एक्स के प्लेस में माइनस वन बाय थ्री पुट करना है, हम लोग को ये फाइंड करना है कि इसका वैल्यू ज़ीरो होता है या नहीं। हम देखो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के प्लेस में माइनस वन बाय थ्री लिखना है, थ्री है थ्री लिखिए, एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे माइनस वन बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री वन जा थ्री प्लस वन, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस वन प्लस वन, माइनस और प्लस क्या था जी प्लस सॉरी माइनस एंड प्लस माइनस होता है, वन माइनस वन जीरो, तो आंसर जीरो में आ रहा है। सो क्या लिखेंगे, सो माइनस वन बाई थ्री इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू जीरो वैल्यू है। अब देखो सेकंड नंबर क्या है, पी एक्स एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, अब हम लोग को ये फाइंड करना है माइनस टू ज़ीरो वैल्यू है या नहीं है। तो अब एक्स के प्लेस में माइनस टू लिखेंगे, यहाँ पे माइनस टू प्लस टू, प्लस माइनस माइनस हो गया, टू माइनस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये भी क्या है ज़ीरो वैल्यू है, माइनस टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। अब देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में x इज इक्वल टू फाइव बाय फोर है, तो x के प्लेस में हम लोग फाइव बाय फोर लिए, माइनस फोर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस फोर, अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्या होगा ट्वेंटी फाइव हो गया एलसीएम फोर माइनस फोर, फोर जो सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव में सिक्सटीन माइनस किए तो क्या हो जाएगा नाइन अपॉन फोर, तो ये यहाँ पे दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि क्या है नाइन बाय फोर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फाइव बाय फोर इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ये ज़ीरो फाइव बाय फोर क्या है ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब देखो फोर्थ नंबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वन, अब हम लोग को वाई में डबल वैल्यू लिखना है, वन एंड माइनस वन, तो वन बाय वन रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या लिए प्लस वन, वाई के प्लेस में वन ले लिए, वाई स्क्वायर वाई वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल आया। अब हम लोग माइनस वन लेके सॉल्व करते हैं, माइनस से टू टाइम्स मल्टीप्लाई किए, देखो माइनस वन इंटू माइनस वन, वन वन जा वन माइनस माइनस प्लस वन आया आंसर, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल है। सो वन एंड माइनस वन आर ज़ीरोस ऑफ पी वाई। अब फिफ्थ नंबर, अब हम लोग को क्या करना है, टी के प्लेस में वन बाय वन प्लस वन एंड माइनस टू पुट करना है, पहले प्लस वन लिए, क्या हो गया वन प्लस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, मल्टीप्लाई किए माइनस टू, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा है फोर वन जा फोर, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, प्लस वन एंड माइनस टू आर नॉट ज़ीरो ऑफ पी टी। अब देखो सिक्स नंबर क्या है, अभी हम लोग को एक्स के प्लेस में क्या लेना है, माइनस एम बाय एल, ठीक है, माइनस एम बाय एल ले लिए, एल और एल कैंसिल हो गया, क्या हो गया माइनस एम प्लस वन, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो हो गया वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया ज़ीरो, यानी कि माइनस एम बाई एल ज़ीरो के इक्वल है। अब हम लोग क्या लेंगे, आर के प्लेस में माइनस वन बाय थ्री एंड वन बाय रूट थ्री, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर के प्लेस में लिए माइनस वन बाय रूट थ्री स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वन वन जा वन और रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है ओनली थ्री, तो ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गया, रूट थ्री और थ्री कैंसिल, क्या हो गया वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है, ये तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, वन बाय रूट थ्री, ये भी रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम्स, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, क्या हो गया वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो माइनस वन बाय रूट थ्री एंड वन बाय रूट थ्री आर नॉट ज़ीरो, सॉरी आर ज़ीरोज ऑफ पी आर, क्योंकि दोनों ज़ीरो के इक्वल आए, आर ज़ीरोज ऑफ पी आर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, अब हम लोग को इसका ज़ीरो वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया था, हम लोग को ये फाइंड करना था कि वो वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है ज़ीरो वैल्यू, बहुत ईजी, इसमें क्या लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, इसमें ज़ीरो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स है, तो एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है।
तो एक्स प्लस सिक्स इजिक्वल टू जीरो लिए, अब हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिक्स को इधर ट्रांसफर किया, क्या आ रहा है माइनस सिक्स, यानी कि ये माइनस सिक्स क्या है एक्स का जीरो वैल्यू। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, जो हम लोग सॉल्व किए वो करेक्ट है या नहीं। एक्स के प्लेस में हम लोग माइनस सिक्स लेंगे प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व करने से वैल्यू जीरो आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोग वैल्यू फाइंड किए वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस सिक्स, पहले क्या करेंगे एक्स माइनस सिक्स में एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिक्स को ट्रांसफर किया प्लस सिक्स आया, अब हम लोग देखते हैं इसमें प्लस सिक्स रखने से वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू जीरो में आ रहा है इसका मतलब हम लोग का वैल्यू, ये जीरो वैल्यू जो हम लोग फाइंड किया वो क्या करेक्ट है। सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का वैल्यू करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है फाइव वाई, फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो ले लिए, इसको ट्रांसफर किए, जीरो अपॉन फाइव क्या होगा जीरो। इसका मतलब वाई के प्लेस में हम लोग जीरो लेंगे तो वैल्यू क्या होगा जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो इज द जीरोस ऑफ पी वाई। सॉल्व करके देख लेते हैं, फाइव है फाइव इंटू वाई का वैल्यू क्या है जीरो, इज इक्वल टू फाइव जीरो जा जीरो आगे वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पी टी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ए ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए टी इज इक्वल टू जीरो, ए टी को ट्रांसफर किया तो जीरो, तो वैल्यू क्या आ रहा है ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग टी के प्लेस में जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे ए टी कांस्टेंट बोला है, सॉरी ए कांस्टेंट बोला, तो इसलिए हम लोग को किसका टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए को ट्रांसफर करेंगे जीरो अपॉन ए जीरो, तो टी का वैल्यू क्या रहा है जीरो। सो इट इज क्लियर दैट बाय पुटिंग टी इज इक्वल टू जीरो वी गेट पी टी इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जीरो वैल्यू क्या होगा जीरो। ठीक है, अब फाइव नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्या है, सी आर प्लस डी, सी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है, सी एंड डी आर रियल कांस्टेंट नंबर। अभी इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग को आर की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ले लिए सी आर प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, डी को ट्रांसफर किए माइनस डी हो गया, अब हम लोग सी को ट्रांसफर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में ट्रांसफर किया तो डिवाइड में चला गया, तो आर की वैल्यू क्या आ रहा है माइनस डी बाय सी, तो माइनस डी बाय सी क्या हो गया जीरो ऑफ पी आर। सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू करेक्ट है या नहीं, आर की वैल्यू क्या है माइनस डी बाय सी, तो सी लिख लिए, आर के प्लेस में क्या लिखेंगे माइनस डी बाय सी प्लस डी, सी सी कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है माइनस डी प्लस डी, इन दोनों को सॉल्व करने का वैल्यू क्या रहा है जीरो। इसका मतलब हम लोग का वैल्यू करेक्ट है। अब सिक्स नंबर देखते हैं, पी यू इज इक्वल टू थ्री यू माइनस सिक्स, थ्री यू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिए, सिक्स को ट्रांसफर किए तो प्लस सिक्स हो गया, अब थ्री को ट्रांसफर किए सिक्स अपॉन थ्री, थ्री से डिवाइड किए टू, यू का वैल्यू क्या आ रहा है टू। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर आ रहा है यानी, थ्री इंटू यू का वैल्यू क्या है टू माइनस सिक्स, थ्री टू जो सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या है करेक्ट है। अब देखो सेवन्थ नंबर क्या है, आर एस इज इक्वल टू टू एस प्लस थ्री, टू एस प्लस थ्री इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए जीरो, थ्री को ट्रांसफर किए माइनस थ्री, ये मल्टीप्लाई में था, टू को ट्रांसफर किए माइनस थ्री बाय टू। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं करेक्ट है यानी, टू इंटू एस का वैल्यू क्या आया माइनस थ्री बाय टू प्लस थ्री, टू टू कैंसिल हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो गया जीरो। इसका मतलब हम लोग का माइनस थ्री बाय टू इज अ जीरो ऑफ आर एस। पी एक्स को फाइंड करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस एक्स रूट, अब इसको ट्रांसफर करते हैं, रूट फाइव को इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया माइनस रूट फाइव, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा रूट फाइव। अब इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, रूट फाइव माइनस माइनस, एक्स का वैल्यू क्या है रूट फाइव, रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव जीरो हो गया। इसका मतलब हमारा रूट फाइव इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अब लास्ट नंबर क्या है नाइन, क्यू टी वन बाय टू टी माइनस टू बाय थ्री, अब इसको जीरो लेकर के इसका हम लोग जीरो वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस टू बाय थ्री को ट्रांसफर किए प्लस टू बाय थ्री हो गया, अब ये मल्टीप्लाई में इस तरह ट्रांसफर किए तो ये किस में चल जाएगा डिवाइड में, टू बाय थ्री ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल टू बाय थ्री, टू टू जो फोर, थ्री वन जो थ्री, टी का वैल्यू क्या आ रहा है फोर बाय थ्री,
तो 4/3 इज़ अ जीरोस ऑफ क्यू टी। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देख लेते करेक्ट है या नहीं। 1/2 है, 1/2, ठीक है। टी का वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3 माइनस 2/3, 2 1 2, 2 2 4, क्या रहा है, 2/3 माइनस 2/3, दोनों इक्वल वैल्यू प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, क्या रहा है, 0, ठीक है, सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 बहुत ज़्यादा ईजी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ये भी बहुत ईजी है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर भी कहीं भी बता सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके में आ जाएगा। थैंक यू।